माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी हेल्प और लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके डायरेक्ट टैक्स के अपडेटेड अमेंडमेंट के साथ रिवीजन जो है यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ। सेकंड गिफ्ट साथ में ये है कि आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब में एक सेक्शन होता है अबाउट सेक्शन, उसके लास्ट में है ज्वाइन आवर टेलीग्राम, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। या फिर आप वेबसाइट पे जाइए, लास्ट में वेबसाइट के एंड पे टेलीग्राम का एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे। सेकंड, आप अगर ऐप पे ऑलरेडी हैं तो आप सी ए ड्रीमर्स टाइप कीजिए, वो पब्लिकली चैनल है, आपको वो मिल जाएगा। ये नोट्स वहाँ पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपको। अराउंड इसके 6 से 8 पार्ट्स ओवरऑल एक मिलने वाले होंगे। ये मत कहना 8 मिले, ये मत कहना 6 मिले। अराउंड टोटल 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास इसके अंदर। तो इस 10 चैप्टर के अंदर हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं, और हर पार्ट में मैं आपके 2 या 3 चैप्टर एक साथ रिवाइज करूंगा, लेकिन कैपिटल गेन के लिए सिंगल पार्ट होगा और पीजीपी के लिए सिंगल पार्ट होगा। ओवरऑल ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। एंड सेकंड थिंग कि आपके जीएसटी के लेक्चर्स प्लेलिस्ट एज अ कंटिन्यू है, उसमें 17 लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं, और डेली बेसिस में 2 या 3 लेक्चर अपडेट होने वाले हैं। कृपया करके जीएसटी को ये मत सोचिएगा एट द एंड कर लूंगा, रेगुलर बेसिस करते जाइएगा। एंड सेकेंड थिंग माई डियर फ्रेंड, कि ऑडिट की सीरीज़ भी आपकी जैसी थी वैसी अपडेटेड है, आप उसे भी कंटिन्यू कीजिएगा। जीएसटी खत्म होते ही मैं आपके ऑडिट के लेक्चर्स के जो लास्ट के कुछ ऐसे बाकी हैं वो मैं उसमें कवर अप करा दूंगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। पास होने का आपके पास बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत कीजिएगा। 100% एफर्ट के साथ स्टडी कीजिएगा, एंड डेफिनेटली यू कैन विन माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन विन। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके एक थैंक्स भी आप कह देंगे सर, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होता है कि हम लोग दिन रात आपके लिए काम करते हैं। कर्फ्यू है सर, लॉकडाउन है, उसके बीच में हम आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, बस इसीलिए ले रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं इसका नाम है सैलरी, यूनिट 1। ओके सर, सबसे पहले सेक्शन 15 जो कहता है बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में, कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है। तो फिर सैलरी के लिए अगर चार्जेबल की बात किया जाएगी, कि सैलरी टॉपिक पे चार्जेबल कब बनता है, तो ये ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो ये चार्जेबिलिटी क्रिएट करता है। लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो लेट सपोज आपकी सैलरी ड्यू होती है 10th को, बट कभी आपने 5 को ले लिया एडवांस और कभी आपको 15 को दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। दोनों ही केस में विच एवर इज जो अर्लियर होगा वो यहाँ पे सेक्शन 15 को अट्रैक्ट करेगा, विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस, कुछ भी पैसा अगर आप एडवांस ले रहे हो, 1 महीने 2 महीने, कोई इमरजेंसी है, घर में कोई दिक्कत आ गई, इज असेस्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस साल उसकी पेमेंट हुई उस साल में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इट कैन बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू द टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू। तो हम ड्यू होने का इसमें वेट नहीं करेंगे, जिस साल आपको पेमेंट हो रही है उसी साल इसमें टैक्स लगा दिया जाएगा। इफ द सैलरी पेड इन एरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन द ड्यू बेसिस, अगर एरियर के बेसिस पे सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसे हम असेस करेंगे ड्यू बेसिस पे, द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज पेड। तो मान लो गलती हो गई थी, लास्ट टाइम आपने पे नहीं किया था लेकिन अब आप पे कर रहे हो, तो हम वेट नहीं करेंगे कि आप पे करो तो हम आपसे टैक्स कलेक्ट करें, एरियर बेसिस पे ही हम आपसे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। ये 3 बातें आपको सेक्शन 15 कहता है, पढ़ के आगे आप बढ़ना। ओके नाउ टैक्सेबिलिटी एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन अलाउंस, आइए कुछ अलाउंस है इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस, सर ये क्या कहता है? ये कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो आपको एग्जेम्प्ट करना है। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, आपको आपके बॉस ने कितना दिया, लेट्स सपोज उसने दिया 10,000। ओके नाउ रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, आपने रेंट पे कितना किया था? सर मैंने 5,000 रेंट पे किया था। लेस 10% ऑफ सैलरी, सर आपकी सैलरी कितनी? सर मेरी सैलरी है 15,000 रुपए, तो 15,000 का 10% यानी 1,500 आपको यहाँ पे लेस करना है, यानी ये आया 3,500, तो ये 3,500 आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नाउ यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, अगर 50% आपको लेना है कब? जब आप रह रहे हो, जब आपने रेंट पे किया, मुंबई में पे किया, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, इन 4 जगह के लिए 50% है, और अगर इन 4 को छोड़ के और कोई जगह है तो 40% ऑफ सैलरी को यहाँ पे रखा जाता है। 40% ऑफ सैलरी यानी 15,000 है, तो 15,000 का अगर 40% आप लोग देते हो
तो 15,000 का आपको 40% यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो भी लोअर होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें जो सबसे कम आएगा उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ओके सर, नाउ 10-14-2। सर ये क्या है 10-14-2, ये क्या कहते हैं सर? सर क्या हमें इतना ज्यादा डीप में पढ़ना है? नहीं सर, ये याद कर लो, मैं स्टार लगा देता हूं, इसको इग्नोर कर सकते हो सर, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। 10-13E याद रखना, ये ठीक है, सारे सेक्शन याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कोशिश करिए याद हो जाए। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, 100 rupees पर मंथ है पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 children। सर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज बॉस ने दिए सर 500 rupees पर मंथ, तो हमें कितना टैक्सेबल होगा? तो सर टैक्सेबल होगा 500 - 100 = 400। ये आपको टैक्सेबल होगा, यानी 400 आपकी सैलरी में एड ऑन हो जाएगा। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ ड्यूटी, मतलब आपको आपके घर से आपके ऑफिस आने तक के खर्चे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहा गया 3200 पर मंथ फॉर एन एम्प्लॉई हु इज ब्लाइंड और डीफ, कि अगर आप देख नहीं सकते, मतलब कि आप विकलांग हैं, क्या है सर? हैंडीकैप्ड, तो भैया आपको 3200 यहाँ पे अलाउ किया जा रहे हैं आपकी सैलरी में, आप यहाँ पे एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। नाउ हॉस्टल एक्सपेंडिचर, आपके बच्चे के लिए बात की जा रही है कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो लेट सपोज बॉस ने 2000 rupees पर मंथ आपके चाइल्ड के लिए दिए, तो आप 300 rupees यहाँ से लेस कर दोगे, तो 1700 जो होगा सैलरी में एड ऑन हो जाएगा। ओके नाउ जी बात करते हैं एग्जेम्पशन ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स। सर टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब आप मेरी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब मैं बॉस आप एम्प्लॉई, चलिए मैं एम्प्लॉई आप बॉस, मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें 10-10, सबसे पहले ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? उसकी वफादारी के लिए जो हम उसको पैसे दे रहे हैं, वफादारी मतलब इतने साल उसने यहाँ पे काम किया, इतनी मेहनत की, उसके बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? दैट इज ग्रेचुटी। ओके तो सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय है? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी, तो भैया फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर सेक्शन याद करना है? हाँ सर, कोशिश करना, ये कुछ सेक्शंस हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो कोशिश करना आपको याद हो जाए, अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, याद रखने की कोशिश करना। HRA का सेक्शन कोशिश करना याद हो जाए आपको, और ग्रेचुटी का सेक्शन जो है कोशिश करना आपको याद हो जाए। सर अदर एम्प्लॉई है, अब बताओ, तो सर अदर एम्प्लॉई है तो मेरे पास आपसे दो बातें हैं, क्या आपको ग्रेचुटी में आप कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो। तो पहली हेडिंग है कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, और यहां पे दूसरी हेडिंग है नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान सुनिएगा। पहला डिफरेंस है यहां पे कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन क्या है सर? 15/26 और यहां पे क्या है 1/2, ठीक है सर? पहला डिफरेंस कि अगर आप ग्रेचुटी में कवर्ड हो और यहां पे आप ग्रेचुटी में नॉट कवर्ड हो, तो यहां पे यहां पे 15/26 है और यहां पे लेते हैं 1/2। ओके यहां पे लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है? और यहां पे आप क्या लेते हो, आपको पता है, यहां पे आप लेते हो एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। आप एग्जाम में फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको इस दोनों में डिफरेंस नहीं पता। अगर आपने मेरे साथ रेगुलर कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम 10 मंथ मतलब कि और 10 मंथ लास्ट 10 मंथ, यानी लेट सपोज वो बंदा नवंबर में जा रहा है तो सिर्फ अक्टूबर से लास्ट 10 मंथ, अक्टूबर से पहले तक के 10 महीने जो है यहाँ पे आप सैलरी एड ऑन करोगे, फिर उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे आप 10 महीने का यहाँ पे रखने वाले हो। ओके उसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये कह रहा है मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस प्लस कोई 6 मंथ है या उससे ज्यादा है तो उसको आप टर्न आउट कर दो। लेट सपोज 22 साल 7 महीने काम किया तो इसको आप 28 ईयर काउंट करोगे। सर 22 ईयर उसने 5 मंथ काम किया तो आप इसे 22 ईयर ही काउंट करोगे, ये होता है राउंड ऑफ करना। ओके एंड 20 लाख विच इज मैक्सिमम। ओके सर ये दो बातें हमको समझ में आ गई। सर एक पॉइंट और था सर, क्या? ग्रेचुटी रिसीव, तो आपको 3 पॉइंट में कंपैरिजन करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो इसमें लीस्ट होगा कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इस वाले में क्या करना है सर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट है ही है, फर्स्ट पॉइंट है ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है सर, और 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, मतलब कि अगर वो नवंबर में जॉब छोड़ रहा है तो लास्ट 10 मंथ को आपको यहाँ पे लेना पड़ता है,
ठीक है, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और फ्रैक्शन है। लेट सपोज उसने 22 ईयर 11 मंथ भी काम किया तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप सिर्फ 22 ईयर यहाँ पे काउंट करने वाले हो। ये एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको, रिवीजन का टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता लेकिन पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। नाउ 10-10A, कोशिश करिएगा सर याद हो जाए। पेंशन, पेंशन में एक है अनकम्यूटेड पेंशन और एक है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मतलब क्या है कि आपको हर मंथ 2000 जो भी आपका अमाउंट है, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हर मंथ जो पे मिल रहा है वो होगा अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब कि आपने कहा सर हमें हर 2000 मत दो, हमें 500 रुपए हर महीने दे दो, ये जो 1500 रुपए है आप अपने पास रख लो, एक ही बार में हमें इसके बदले में कुछ दे दो। तो कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, इकट्ठा जब आप एक ही बार में मोटा पैसा लेते हो वो कम्प्यूटेड होता है। अनकम्प्यूटेड मतलब कि भैया वो पैसा जो आप इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हो, ठीक है, 2000-5000 जो भी पेंशन आती है, वैसे तो ज्यादा ही आती है, 25000-30000 आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ये अनकम्प्यूटेड पेंशन है यानी आपको 5000 रुपये हर मंथ आ रही है, 20000 रुपीज हर मंथ आ रही है, तो भैया ये फुल्ली टैक्सेबल है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। नाउ वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन कि भैया हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हमें कम्प्यूटेड पेंशन मिलती है, तो भैया यहाँ पे कहा गया फुल्ली एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट के लिए। बात आती है अदर एम्प्लॉय के लिए, हम गवर्नमेंट नहीं है तो आप लिखो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो। तब इस केस में कहा गया अगर आपने ग्रेचुएटी ले रखी है तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, अगर आपने ग्रेचुएटी नहीं ले रखी है तो 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ऑलरेडी आप ऊपर बेनिफिट ले रहे हो, दोबारा से बेनिफिट लोगे इसलिए 1/3, आपने ऊपर बेनिफिट नहीं लिया था तो 1/2 जो भी होगा इन दोनों में वो क्या हो जाएगा सर, लेट सपोज आपको 6 लाख ले लेते हैं, 6 लाख रुपीज आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेचुएटी ली थी ऊपर, ठीक है, तो ये कहता है 6 लाख आपके टोटल है, आप इसका 1/3 कर लोगे, ठीक है। और उसमें भी तरीका क्या होता है, मैं जरा एक बात और बताऊं। लेट सपोज वो क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि 5000 रुपए वो बंदा ले रहा है, क्वेश्चन की जरा लैंग्वेज सुनिएगा, 5000 रुपए वो बंदा हर मंथ ले रहा था पेंशन वो ले रहा था, लेकिन आगे से हम सिर्फ उसको 2000 रुपए देंगे और हमने उसका 80% जो ग्रेचुटी थे ना उसको कम्यूट कर लिया। तो इसमें एक और काम करना पड़ेगा, 5000 / 80% ताकि हम 100% पे जा पाए, ठीक है। तो आप समझो फिर इसका 1/3 अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड है तो, और अगर 1/2 करोगे अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई, रिविजन पर्पज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगी साथ के साथ, ठीक है सर। लीव सैलरी, लीव सैलरी मतलब आपने छुट्टी नहीं ली, छुट्टी नहीं ली है तो हम आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप लक्स बॉय हो, लक्स नहीं लाइव बॉय, लाइव बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो आप वो बंदे हो जो छुट्टी नहीं लेता सर, पूरे मेहनत से काम करते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल है। नाउ सेकेंड यहां पे पॉइंट क्या रखा गया कि आपको ये मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और यहां पे क्या था रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, सर्विस के दौरान आप ले रहे हो तो भैया टैक्सेबल है, लेकिन आप रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आपको यहां से अलविदा किया जा रहा है, सुपर एनुएशन मतलब 60 की एज हो गई है, यह रिटायरमेंट की एज, इसको दो कहा जाता है कि आप 60 हो गए या फिर आप सुपर एनुएशन का एक और मतलब होता है कि भैया आपकी एज रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, तो उस समय आपको जो ये पैसे दिए जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जाम्ड है, नॉन गवर्नमेंट है तो जरा सुन लो आप ध्यान से सुनिएगा वरना गलती हो जाएगी एग्जाम में। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्ड सर, मैक्सिमम 3 लाख रुपए, ओके। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव सर कितना दिया, सर उन्होंने हमें दिया लेट सपोज 2 लाख रुपए, तो विच एवर इज लिस्ट क्या हो गया ये वाला। फिर यहां पे क्या कह रहा है जरा सुनिएगा वर्ड्स को, अदरवाइज दिक्कत होगी। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। सर दोनों में अंतर क्या है, सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो उसने कितने साल काम किया, सर उसने यहाँ पे 30 ईयर्स वर्क किया, ओके, तो हम उसे एक ईयर इक्वल्स टू हम उसको 30 डे की लीव दे रहे हैं, तो उसको 30 ईयर के अकॉर्डिंग हम उसको कितनी छुट्टियाँ दे देंगे, 30 ईयर मल्टीप्लाई में 30 छुट्टियाँ, यानी 900 उसको हॉलीडेज हमारी साइड से अलाउ है। अब क्वेश्चन ये है कि सर उसने अब तक कितना अवेल किया, सर उसने अब तक
240 लीव्स अ वेल की, तो आप 900 में से 240 को लेस कर दोगे, तो 0 0 यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, तो 660 आ गया। तो आप उसको 660 डेज के पैसे दोगे, और 660 डेज को भी कैसे दोगे कि 660 जो है इसको डिवाइड करोगे आप पहले 30 से। सर 30 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये इसको मैं नॉर्मली मंथ में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 मंथ की एवरेज सैलरी जो है वो डिवाइड बाय में 10, ताकि एक मंथ की एवरेज सैलरी यहाँ पे आ सके। और ये जो एवरेज सैलरी निकालते हैं वो हम इसमें निकालते हैं 10 मंथ की लास्ट एवरेज सैलरी। तो ये थोड़ा प्रोविजन थोड़ा समझ के जाना, तमीज से समझ के आना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रोविजन समझा पाऊँ एग्जाम्पल के द्वारा रिविजन टाइम में, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नोट्स को प्रॉपर अपने तरीके से यूज करना ताकि आप समझ पाओ। नाउ 10 हमारे पास है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ठीक है। तो ये है 10-10B, इट्स नॉट अ 108, दिस इज 10-10B, ओके। तो 10-10B क्या कहते हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। सर दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। 10-10C, सी मतलब कर चले हम विदा, आप खुद से जा रहे हो। बी मतलब भाग भैया भाग, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब भैया आप यहाँ से निकलो। अगर हम आपको खुद से भेज रहे हैं कि भैया अब हमारे पास पैसे नहीं है आपको रखने के लिए, अब हमारे पास जगह नहीं है आपको रखने के लिए, तो ये होता है रिट्रेंचमेंट। और वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब आप खुद से जा रहे हो, दोनों का जरा समझिएगा। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड 5 लाख, और 15 डेज की एवरेज पे हम आपको देते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर 6 मंथ है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पैसे दे देंगे। मतलब कि आपकी यहाँ पे क्या है एवरेज पे, हम आपको जो पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एवरेज दे देंगे आपको, 15 दिन का एवरेज हम आपको दे देंगे पैसे का। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट 6 मंथ मतलब 22 ईयर 7 मंथ भी है तो आपको 23 ईयर के पैसे दिए जाएंगे हमारी साइड से। और इसमें क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट वाले में सेंट्रल है, स्टेट है, पब्लिक सेक्टर है या एनी अदर कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, सभी के लिए सेम पॉलिसी है। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड 5 लाख, 3 मंथ सैलरी, यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा 3 मंथ सैलरी और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी उसने सर 22 ईयर कंप्लीट किया तो 22 ईयर मल्टीप्लाई में 3 मंथ सैलरी, ओके। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब कि सर उसकी लास्ट टाइम सैलरी की थी, सर उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये, ओके। रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, लेट सपोज वो 60 साल पे रिटायर करता, हमने उसको 48 पे हटा दिया, यानी 12 साल पहले हमने उसको हटा दिया, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12, तो इसमें जो लीस्ट होगा वो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। सर समझ में आ गया, थैंक यू। नाउ वी हैव अ 10-5, दैट इज लीव ट्रेवल कंसेशन। 10-5 लीव ट्रेवल कंसेशन, सर ये क्या कहता है, ये कहता है एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, मतलब आपके जो 4 कैलेंडर ईयर हैं उसमें आपको 2 ट्रिप अलाउ है हमारी साइड से। एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो क्लियरली मेंशन करेगा, इसलिए आप परेशान मत होना। लेट सपोज वो एयर से आपको भेज रहे हैं हवाई यात्रा, तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर, अगर इकोनॉमी फेयर तक हम आपके लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर उससे ज़्यादा का है तो भैया आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो एयर नहीं है, अदर मोड है, रेलवे सर्विस है, तो रेलवे सर्विस है तो इसके लिए कहा गया नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन, फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर। अच्छा जी सर रेलवे सर्विस अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, मतलब आपके घर जाने के लिए बस ऐसे ऐसे जाएगी, हम वैसे नहीं चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अगर रेल जाती तो क्या उसका चार्ज होता, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एग्जेम्प्ट करेंगे। नाउ बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट है तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट्स, आपके घर जाने का आप ऐसे जाके ऐसे नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट जाइए जो शॉर्टेस्ट रूट जो होगा उससे अकॉर्डिंग हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे उस अमाउंट के लिए, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये वाला चार्ट काफी काम का है आपके, ध्यान से सुनेगा, कोशिश करिएगा ये याद हो जाए आपको। ये सेक्शन 7 भी है आपके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का, अगर आपने वहां पे नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़िए, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ, अगर आपने सैलरी मेरे साथ पढ़ा होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है पर्टिकुलर्स को समझो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट का पैसा आया है और अमाउंट रिसीव ऑन रिटायरमेंट कि आपको रिटायरमेंट में क्या पैसा मिल रहा है। फिर यहाँ पे हेडिंग है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर देखो
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दे रखी, अनरिकॉग्नाइज मतलब आप खुद से अपने ऑफिस में ही चला रहे हो। जैसे ऑफिस ऑफिस में सबने कहा कि 500 रुपये सब इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा, ठीक है। और स्टेटरी प्रोविडेंट फंड मतलब गवर्नमेंट ने ही बना रखा है आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको फॉलोअप कर सकते हो। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये वो बंदा जो अपने लिए खुद ही पैसे डालना चाहते हैं, ठीक है। आइए तो इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है वो जरा ध्यान सुनो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक आपकी जो सैलरी है अगर उसका कंट्रीब्यूशन आप डाल रहे हो तो हमारी तरफ से एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर ये किसी बात की हमने ये बात की एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की, वही अगर एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपनी सैलरी का तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले तो हम सैलरी में ऐड करेंगे, बाद में हम 80C के अंदर उसको डिडक्शन दे देंगे। सर इस पे जो आप दोनों ने मिलके आपने 12% डाला, आपने 12% डाला, दोनों ने मिलके पैसे इकट्ठा किए, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 9.5% तक अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो भैया हम उस पे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 9.5% से ज्यादा है तो उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है कि अगर उस बंदे ने पूरे टाइम तमीज से काम किया था, लॉ क्या है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, भैया जो भी आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा रिकॉग्नाइज से वो एग्जेम्प्ट है। सर्व्ड अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर, कि भैया आपने कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा काम किया था, या अगर आप 5 साल से पहले रिटायर हो गए थे तो कोई जेन्युइन वजह होनी चाहिए, जैसे आप सच में बीमार हो गए थे या फिर आपको चोट वोट लग गई, कुछ ऐसा केस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए अगर मैं रिवीजन पॉइंट के एंगल से बताऊं तो इसको पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है, यही आपको बचाएगा। और अनरिकॉग्नाइज वगैरह हो तो डायरेक्ट टैक्स मार दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए एग्जाम के पर्पज से। चलिए सर आगे चलते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे हमारे पास आ रहा है सेक्शन 17(2) रीड विथ रूल 3। हमें सेक्शन 17(2) रीड विथ रूल 3 पढ़ना है। क्या कहता है सर? रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। सर ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा, ये कह रहा है सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब जिसमें फर्नीचर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, और फर्निश्ड अकोमोडेशन जहां बेड वगैरह फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम क्या कह रहे हैं, लाइसेंस फी डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस फी लगती है वो आपको पे करनी पड़ेगी एज रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई। और एक्चुअली वो रेंट कितना गवर्नमेंट को रीपे कर रहा है, लेट सपोज लाइसेंस फी के अकॉर्डिंग उसका जो अमाउंट है वो 15,000 है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉई से कितना ले रहे हो, सिर्फ 5,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। इसी तरीके से अनफर्निश्ड है, वो क्या है वैल्यू डिटरमाइंड जो है अंडर कॉलम सी, यहाँ पे उसमें क्या करोगे, जो आपने 10,000 कैलकुलेट किया यहाँ पर, ठीक है, एट 10% पर एनम फॉर द फर्नीचर कॉस्ट, आप क्या करोगे फर्नीचर कॉस्ट के 10% ऐड कर लोगे, और अगर कोई रिकवर्ड हो रहा है एम्प्लॉय से तो उसको आप लेस कर देना, मतलब 10,000 में आपने कर लिया, अब फर्नीचर की कॉस्ट का 10% आप यहाँ पे ले लो, या फिर आपके बॉस ने कोई हायर चार्जेस पे किया है, आपके जो बॉस होंगे उन्होंने जो हायर चार्जेस पे किया है वो एड ऑन कर दो, और जो भी एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी है तो आप उसको यहाँ पे लाके लेस कर सकते हो। ओके नाउ माई डियर फ्रेंड, इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर जो सिटी है वहां की जो पॉपुलेशन है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग और वहां की जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा है तो आपकी परक्यूजिट वैल्यू 15% ऐड की जाएगी। सेकंड बॉक्स पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख से कम है, मतलब 10 to 25 अगर आप वेरी करते हो तो आपको 10% ऑफ सैलरी एज अ परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा, और कोई दूसरा केस है यानी 10 लाख से भी कम है तो भैया 7.5% ऑफ सैलरी यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा। ओके ऑन बाय द वेयर अकोमोडेशन ऑन बाय द एम्प्लॉयर। नाउ अगर वो फर्निश्ड है तो 10% फर्नीचर की कॉस्ट ले लो, और कोई हायर चार्जेस पे किया आपके बॉस ने तो वो एड ऑन कर लो, और कोई भी चार्जेस रिकवर हुए हैं एम्प्लॉय से तो वो आप यहाँ पे लेस कर सकते हो। Now the perquisite value should be arrived at reducing by the rent if actually paid by the employee from the above value. अगर ये तो आपने perquisite add कर लिया, लेकिन question ये है कि अगर employee कुछ पैसा दे रहा है तो उसको उसमें से less कर देना। Okay sir, ये क्या था sir? Where accommodation is owned by the employer. कि जो accommodation है वो किसकी है sir? Employer की है।
नाउ वी हैव अ नेक्स्ट केस कि अगर उस बंदे ने, मतलब आपके बॉस ने, वो लीज पे लिया था, या फिर आपके बॉस ने आपके लिए उसे लेट आउट कर रखा है, मतलब कि वो खुद उसने किराए पे ले रखा है किसी और से, तब तब आपको लोअर ऑफ द फॉलोइंग को टैक्सेबल करना पड़ेगा। एक तो 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है सर, ये आपको क्या लेना है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग को टैक्सेबल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कहा गया है कि रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड, अगर उसने कुछ पे किया तो वो आप लेस कर देंगे। और अगेन यहाँ पे कहा गया कि 10% फर्नीचर की कॉस्ट को और हायर चार्जेस कुछ पे कर रहा है तो वो आपको एड ऑन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ रिकवरी हो रही है तो उसको आप लेस यहाँ पे कर देंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ गुड कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। लोन इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉय को लोन दे रहा है, पहली चीज या तो वो इंटरेस्ट फ्री दे रहा है कि आप मेरे से पैसे ले लो लेकिन आप मुझे इस पे इंटरेस्ट मत देना, या दूसरा वो ये कह रहा है कि आप देखो एसबीआई का सर लोन रेट देखो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एट द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लेट सपोज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब मान लेते हैं 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12%, और जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को दो केस हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहा और दूसरा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लेकिन लेट्स सपोज उसने 5% चार्ज किया, तो ये जो डिफरेंस आया दैट इज द 7%, ये उसकी सैलरी में ऐड होगा। और कैसे ऐड होगा, लेट्स सपोज उसने लिए थे 1 लाख रुपीज़ और वो हर मंथ 20,000 पे कर रहा है, तो यानी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 80,000, उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 60,000, उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 40,000। इस तरीके से आप 7% जो है वो चार्ज करेंगे हर मंथ के बेसिस पे। ठीक है, आप हर मंथ के बेसिस पे यहाँ पे पर्सनल पर्सनल जाके चार्ज करने वाले हैं हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। सर मान लो उसने इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं किया होता, लेट सपोज इस केस में 5% भी नहीं होता, तो सर हम पूरा 12% यहाँ पे चार्ज करते हैं, इंस्टीड ऑफ 12% 7% हम 12% यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो ये इस प्रोविजन के कहने का मतलब था। आइए एक बार इसकी रीडिंग देते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, उसकी फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, लेकिन सर लोन की खास बात क्या है कि ये लोन 20,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। ओके, नाउ एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच लोन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की लास्ट डेट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब लास्ट डेट पे क्या बैलेंस है उसको चेक करना है। जैसे मैंने अभी चेक किया 1 लाख 80,000, 60,000, 40,000 इस तरीके से। इफ एनी एक्चुअली पेड बाय हिम और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, मतलब मेंबर पे कर रहे हैं या वो पे कर रहे हैं, वो हम उसमें से लेस करते हुए हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोविजन वी हैव यूज ऑफ मूवेबल असेट्स बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। सर क्या हो रहा है, या तो हमने असेट्स गिवन कर दिया, तो असेट्स गिवन हो सकती है सर लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर के केस में आपको जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है सर निल। आप अगर लैपटॉप दे रहे हो कंप्यूटर दे रहे हो तो सर यहाँ पे उसकी सैलरी में इसको एड ऑन नहीं किया जाएगा। सर क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर कभी भी बॉस लैपटॉप या कंप्यूटर घर के लिए देता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम के साथ देता है कि वर्क एट होम कर लो, इसलिए इसको यहाँ पे चार्ज एक तरीके से नहीं किया गया। ओके, नाउ मूवेबल असेट है अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर है, बट असेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जो भी असेट्स होगी वो बता देंगे लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर वो नहीं है। तो इस केस में क्या करना है सर, इस केस में 10% पर एनम लेना है एक्चुअल कॉस्ट का असेट के, मतलब कि 10% वैल्यू उसके लिए एड ऑन कर देनी है अमाउंट और रेंट और चार्ज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय एज द केस में भी। मतलब दो केस हो सकते हैं, अगर बॉस के खुद का है मतलब एम्प्लॉयर का ऑन है खुद का तो उसका 10% ले लो, या फिर एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे लेके फिर एम्प्लॉय को दिया है तो उस केस में एम्प्लॉयर को जो पैसे उसके बदले में पे करने पड़ रहे हैं वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो भी इसके बदले में एम्प्लॉय रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय पे कर रहा है या उससे रिकवर हो रहा है, वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट में आइए सर क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक्चुअल कॉस्ट असेट्स टू द एम्प्लॉयर, हम क्या कर रहे हैं सर ट्रांसफर कर रहे हैं, इस केस में क्या कर रहे थे हम यूज करने के लिए दे रहे थे, इस केस में हम क्या कर रहे हैं सर ट्रांसफर कर रहे हैं कि भैया आज सी असेट तेरी, इस केस में हम क्या कह रहे हैं आज सी असेट तेरी। तो इसमें क्या कहा कहा लॉ ने, लॉ कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट्स टू द एम्प्लॉयर, कि मालिक को वो कॉस्ट असेट कितने की पड़ी थी, लेट सपोज मालिक ने वो लैपटॉप लिया था 80,000 रुपए का। ओके,
नाउ कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब उस पर जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी नॉर्मल लॉ है वो आप लेस कर दो. फिर अमाउंट पेड और रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने लेट्स सपोज 10,000 रुपये पे कर दे, तो जो बच गया वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा. तो सर ये वियर एंड टीयर के लिए कैसे हम काउंट करेंगे, तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में WDV 50% चार्ज करना है ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेस. मोटर कार के केस में अगर वो मोटर कार दे रहा है तो 20% और WDV ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेस, और एनी अदर एसेट है कोई तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट टू द एम्प्लॉयर फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ यूसेस. सर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे SLM मेथड है, यहाँ पे दोनों में WDV केस है. सर ये थोड़ा सा स्टार लगा लेना, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो. नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट मोटर कार. सर मोटर कार वाले केस को ध्यान से सुनेगा. ये कहता है मोटर कार के बारे में, कार ऑन और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर. कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की. एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है सर, एम्प्लॉयर. तो अगर वो होली ऑफिशियल यूज के लिए तो हम इसे परक्यूजिट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आपकी सैलरी में एड नहीं होगा. सेकेंड है पार्टली पर्सनल यूज, कि भैया वो अपने लिए भी थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, वो अपने मतलब उस वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने वाइफ को भी मतलब घुमा देता है, बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर देता है, पर्सनल यूज भी करता है, मूवी भी देखने चले जाता है. तो क्वेश्चन रखा गया कि अगर उस उसके इंजन की जो सीसी है अगर वो 1.6 लीटर तक है तो परक्यूजिट 1800 रुपये पर मंथ आपको एड ऑन किया जाएगा. अगर वो हैवी कार है मतलब 1.6 लीटर से ऊपर है तो 2400 पर मंथ आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा. प्लस उन्होंने अगर कोई ड्राइवर रखा है, चौफर, ठीक है, कोई ड्राइवर रखा है आपके लिए तो 900 पर मंथ उसके भी आपकी सैलरी में एड ऑन हो जाएंगे. नाउ कार किसकी सर, सर अब केस है एम्प्लॉय की कार है सर. अच्छा दो केसेस हैं, खर्चा कौन मेंटेन कर रहा है सर, बॉस मेंटेन कर रहा है कार मेरी लेकिन खर्चा बॉस कर रहा है. अगर ऑफिस के पर्पस के लिए तो नॉट अ परक्यूजिट. नाउ यहां पे क्या कहा गया कि यहां पे क्या क्या कहा जा रहा है कि सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द परक्यूजिट वैल्यू अराइव्ड इन वन अबव. यहां से आप इसको रेफर करेंगे, कह रहा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा क्या हुआ उसके ऊपर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब ओवरऑल कितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो आप यहां पे चेक करेंगे. लेट सपोज एम्प्लॉयर ने आपके लिए 10,000 रुपए मंथली खर्च किए आपकी कार के ऊपर, फ्यूल वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर वगैरह, एज रिड्यूस बाय, इसको आप घटा देंगे सर, आप समझे नहीं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इसको आप घटा देंगे किससे सर, फर्स्ट वाली लिस्ट से. लेट सपोज यहां पे आपको एड करना है इस वाले आइटम को सैलरी के अंदर, यहां पे इस वाले केस में यहां पे आपको लेस करना है इस वाले आइटम को सैलरी के अंदर, किसमें से, उस अमाउंट में से जो कि बॉस ने ऑलरेडी आपके ऊपर खर्च किया है. मैं दोबारा से बोलूंगा, एक बार इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाए. एक्चुअली इस केस में क्या हुआ, आप समझना बात को, हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, कार किसकी है सर, सर कार है एम्प्लॉय की, और एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है सर, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है. तो यहां पे क्वेश्चन आया कि सर एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया, लेट सपोज एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए खर्च किए, ओके. तो क्वेश्चन पहला मैं आपसे इजीली रख लेता हूं, क्या चौफर था, चौफर था, हाँ सर था, तो सर 900 आप इसमें से घटा सकते हो. सर चौफर नहीं था तो 900 आप यहां पे नहीं घटाओगे, ओके. दूसरी बात, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया अप टू 1.6 लीटर था क्या कार का सीसी इंजन, अगर आपका आंसर है यस, हाँ सर, तो भैया 1800 रुपए पर मंथ हम यहां पर लेस कर सकते हैं, ओके. सर हमारा अबव था 1.6 लीटर से, तो सर आप यहां पे 2400 पर मंथ लेस कर सकते हैं. अब आओ एक बार प्रोविजन पढ़ो, उसने क्या कहा, यहां क्या कह रहा है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि मालिक ने कितना खर्च उठाया आपके लिए, एज रिड्यूस्ड मतलब आप घटा देंगे किसको सर, इस वाली टेबल को, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके. नाउ एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉई ही मेंटेन कर रहा है खर्चे, तो भैया यहां पे कहा गया पार्टली पर्सनल यूज है, तो यहां पे पूछा गया अगर अप टू 1.6 लीटर है, ठीक है सर, तो आपकी परक्यूजिट वैल्यू 600 पर मंथ मानी जाएगी, और अगर 1.6 लीटर से अबव है तो 900 पर मंथ मानी जाएगी, और चौफर के लिए 900 हम ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई चौफर यानी ड्राइवर वगैरह है तो. नाउ सर यहां पे स्टार लगाए गए थे कुछ, यहां पे जो यहां पे देखो सर स्टार लगे हुए, ये वाला स्टार यहां के लिए कहा गया है कि वो हम आपको माफ तो कर देंगे लेकिन होली ऑफिशियल यूज है,
तो जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपका खर्चा है, उसका एक सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा कंप्लीट डिटेल, आपकी कार कब आ रही है, कब जा रही है, कहाँ जा रही है, एवरीथिंग यू हैव टू शो। ओके ठीक है सर। और नो और सर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है मीनिंग ऑफ सैलरी, हर चीज हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू जस्ट डिस्कस वन बाय वन कि भैया ग्रेचुटी आती है भैया सैलरी के अंदर। ओके तो इसमें बेसिक सैलरी एंड डीए हम ले लेते हैं इसके अंदर। फिर ग्रेचुटी है अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, या फिर लीव सैलरी है, हाउस रेट अलाउंस है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है, ऊपर सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी एंड डीए आता है इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब डीए कब आएगा, जब वो एम्प्लॉयमेंट के प्रोवाइडेड, जैसे वो कह रहा है 60% ऑफ डीए फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट, वो वाली लाइन कह रही है। और कमीशन कैलकुलेट करोगे आप फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे। ये कब होगा, जब वो ग्रेचुटी जो ये लिखा हुआ है वो कवर्ड नहीं है। किसमें सर, वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। और तब आप ग्रेचुटी दे रहे हो तो आप ये कैलकुलेट करोगे। तो ग्रेचुटी अगर नॉट कवर्ड है, लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में आप ये वाली सीरीज फॉलो करने वाले हो। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कंसेशनल अकोमोडेशन है। तो इस केस में आपको क्या क्या करना है, जरा ध्यान सुनिएगा। ऑल पे, जितना भी उसको पे दिया जा रहा है, सारी अलाउंस, सारा बोनस, सारा कमीशन, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट है, वॉट एवर नेम उसका जो भी हो सकता है वो उसमें आएगा। लेकिन क्या नहीं लेना है, यहां पे लिखा है बट एक्सक्लूड, मतलब इसको मत लेना। किसको नहीं लेना सर, डीए को नहीं लेना अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में वो नहीं लेना है, अलाउंस विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स वो नहीं लेनी है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्पेसिफाइड इन 17(2) वो नहीं लेना है आपको, एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 72 दैट इज पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड नहीं लेना है आपको, लमसम कोई पेमेंट मिली है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। लमसम, लमसम मतलब होता है एक बार में, मैंने आपको बताया था जब हम एक ही बार में मोटा पैसा ले लेते हैं मालिक से, हो सकता है वो वीआरएस के लिए हो, ग्रेचुटी के लिए हो, लीव इन्वेस्टमेंट को, वो यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ओके सर ठीक है सर। नाउ वी हैव डिडक्शंस, डिडक्शंस के लिए आइए पढ़ लेते हैं सर। डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर, ये है आपकी इस बार की अमेंडमेंट कि डिडक्शन जो है अब आपकी 50,000 हो चुकी है, पहले ये डिडक्शन 40,000 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई सर 50,000। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको बताया गया कि ये किसके लिए सर, ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, 5,000 ईयर, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ये यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है वो लेस करवा सकते हो। नाउ वी हैव प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मतलब एनी सम पेड बाय द असेसर अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट इज अलाउबल एज डिडक्शन। तो ये डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स की आपको दी जाएगी, क्वेश्चन कहेगा प्रोफेशनल टैक्स है तो आप वहाँ पे जाके लेस कर सकते हो। इन केस प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, द अमाउंट पेड शैल be included in gross salary as perquisite and then deduction can be claimed। मतलब let's suppose आप salary calculate कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर employee नहीं किया है तो आप उसको लो ही मत, ठीक है। अगर employer pay कर रहा है तो पहले तो आप उसे add कर लो, फिर आपकी gross salary आ जाएगी, फिर उसमें से आप less कर देना 16 clause 3 के according, यहाँ पे आप लेस कर देना प्रोफेशनल टैक्स के नाम से कि भैया बॉस ने कितने रुपए दिए हैं। तो लेट्स सपोज उसने 5,000 रुपए यहाँ पे ऐड करवाए थे, 5,000 आप यहाँ पे लेस करके अब उसका नेट सैलरी आप बता सकते हो। ओके नाउ एक क्वेश्चन आता है, रिलीफ व्हेन केस इज सैलरी इज पेड इन एरियर इन एडवांस, सेक्शन 89। तो इसमें आपको सर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस पे मजदूर इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए, ध्यान से करिएगा एक बार प्लीज सुनिए। कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच टर्म्स एरियर और एडवांस इज रिसीव्ड बाय द कंसीडरिंग। पहला टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी कर लीजिए कैलकुलेट, फिर टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी मतलब एडिशन ऑफ सैलरी जो एरियर हुआ था उसके साथ आप कैलकुलेट कर लो, और एक बार उसके बिना कैलकुलेट कर लो। नाउ सेकंड स्टेप ये है कि डिफरेंस देखो टैक्स कैलकुलेट करके स्टेप वन और स्टेप टू में क्या आता है, ठीक है। ओके स्टेप वन और स्टेप टू में क्या डिफरेंस आता है टैक्स का वो आप देख लो। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द टैक्स पेबल फॉर एवरी प्रीवियस ईयर टू विच द एडिशन सैलरी रिलेट्स। जिस जिस साल में एडिशनल सैलरी रिलेट कर रही है उसका आप टैक्स पेबल कैलकुलेट करके देखो। तो ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस, दिस वर्ड इज दैट प्रीवियस, प्रीवियस के बाद एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे ईयर लिख लेना। ओके उसके बाद ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूड कर देनी है एडिशनल सैलरी को, फिर फोर्थ में कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टेप 3 फॉर एवरी प्रीवियस ईयर
टू विच द एडिशनल सैलरी रिलेटेड एंड एग्रीगेट द सेम. नाउ रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) अमाउंट कैलकुलेटेड स्टेप 2 लेस अमाउंट कैलकुलेटेड स्टेप 4. सर मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ. मैंने ऑलरेडी मजदूर इसमें ऐड कर रखा है उस क्वेश्चन को, लेकिन आपके लिए मैं इसको अगेन आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये. गिव मी वन सेकेंड. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 24. तो आप इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 24 कर लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा. नाउ माय डियर फ्रेंड, इस टॉपिक को करने के बाद मजदूर इसके क्वेश्चंस कर लेना, आपका पूरा सैलरी आपके हाथ में आ जाएगा. ठीक है, इसको दो तीन बार सुनेगा, हो सके तो इसको MP3 में कन्वर्ट करके ईयर प्लस लगा लेना और प्रॉपर वे में सुनना. आपको A to Z प्रॉपर समझ में आएगा, प्रॉपर रिकॉल होगा और मजदूर इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना. ऑलरेडी शेयर्ड है यूट्यूब पे, आप उसे देख लेना. ठीक है सर, ओके.